यार ये क्या बात हुई, क्या वजह है, क्यों बंद है, आगे नहीं जाने दे रहे? अच्छा ये क्या वजह हुई यार? नहीं तो क्यों बंद है, क्या वजह है? ये तो आगे नहीं जाने दे रहे। क्या हाल है, क्या नाम है? इशफाक। किधर जा रहे हो? घर। इधर जगलोट शहर में घर है? अच्छा अच्छा, इधर किधर गए हुए थे? वो क्या है उधर, क्या है उधर? अच्छा अच्छा, उधर क्या, उधर रुकने की जगह, पानी है? अच्छा अच्छा, प्यारी जगह आ गई है। ओके हो गया। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी जगलोट में। ये सामने बोर्ड नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, जगलोट गिलगित बल्तिस्तान, बुलंदी 7,2400 फुट है, यहाँ पे आबादी 27,000। अगला मकाम हमारा जो है ना वो स्कर्दू है, गिलगित। मतलब दो रास्ते हैं लेकिन हम लोगों ने स्कर्दू की तरफ जाना है। तकरीबन यहाँ से 7 किलोमीटर आगे एक चौक आएगा जिससे दो रास्ते निकलते हैं, एक निकलता है हंजा के लिए और दूसरा निकलता है स्कर्दू के लिए। हम लोगों ने निकलना है स्कर्दू के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का सफ़र। यस्टरडे रात को हम लोग स्टॉप किया था, आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि जगलोट में हम लोग रुके थे। देखो सामने इतने पहाड़ हैं और इतनी ज़्यादा चढ़ाइयाँ हैं, और देखो ट्रक कैसे आ रहे हैं, इतने इतने हैवी भरे हुए ट्रक इन चढ़ाइयों पे चढ़ जाते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि कैसे। मेरे पीछे अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, ये एक मिनट, हाँ ये सामने है नागा पर्वत। इधर गया ये वाले जो पहाड़ आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, ये सारा नागा पर्वत है। पीछे जगलोट से पीछे नागा पर्वत है, और आगे भी मेरे थोड़े से पहाड़ नज़र आ रहे थे वहाँ पे वाइट वाले, लेकिन मैंने अभी आगे निकला है तो नज़र नहीं आ रहे उस साइड पे। वहाँ पे ऊपर पीछे बर्फ़ की पहाड़ियाँ थी, आगे जाऊँ तो शायद वाली बात है बर्फ़ की पहाड़ियाँ मिले मुझे। ये यहाँ पे मेन अट्रैक्शन बनी हुई है ऊपर। रुको इतना पर जल्दी वीडियो बनानी चाहिए। अच्छा रोके ना पहाड़। जैसे ही निकलो ना जगलोट से आगे, यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है, मैं आप लोगों को ऊपर जाके दिखाता हूँ। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर, टूरिस्ट गए हुए हैं। ये मेरे पीछे आप लोगों को जगह नज़र आ रहेगी, पता नहीं इसको कहते क्या है, मुझे नहीं पता। तीन कौन से बने हुए, ये व्यू पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे। माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है। तीन कौन बने हुए पीछे, इन तीन कौन का मतलब क्या है मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये आ गया जी बोर्ड आगे, यहाँ पे लिखा हुआ है खपलू, स्कर्दू और गिलगित। स्कर्दू 169 किलोमीटर है यहाँ से आगे, थोड़ा ही है, मतलब कि तकरीबन 169 तकरीबन 3 घंटे बता रहा है कि 3 घंटे में हम लोगों ने पहुँच जाना है। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं 3 घंटे से लेट ही पहुँचूँ आराम से घूमते घूमते। हाँ ये हाँ यही है, यही है, यहाँ से पूछ लेते हैं मेरे ख्याल से, ये गलत जा रहे हैं हम। पूछ लो इनसे, पूछ लो। नहीं 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 नहीं, नहीं। अस्सलाम वालेकुम। स्कर्दू कौन सा रास्ता जाएगा? स्कर्दू यही जाएगा ना? हाँ ठीक है, यही है, यही है। हमने सोचा था कि शायद हम लोग गलत जा रहे हैं, लेकिन ठीक जा रहे हैं। पुलिस वाले से पूछा, वो कहता है कि यही रास्ता जाता है स्कर्दू की तरफ, वो ऊपर वाली साइड पर, वो ऊपर रास्ता जा रहा है जो वो जा रहा है गिलगित वाली साइड। बोर्ड भी लगा हुआ है सामने, ये देखो ये बोर्ड आ गया, खपलू, स्कर्दू और दाम्बूदास। ये पता नहीं कौन सी जगह है दाम्बूदास। देर पहले जो आप लोगों ने तीन कौन बने हुए देखे थे, उन कौन का मतलब मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे पता चला है कि उसका मतलब ये है कि यहाँ पर तीन दरिया मिलते हैं, दरियाए सिंध, दरियाए किनार और दरियाए इंडस। मतलब कि तीन दरिया आपस में मिलते हैं, इसलिए वहाँ पर तीन कौन बने हुए हैं। ओहो, कोई बोतल मिलेगा? हाँ बोतल दे दो ना, इसमें कर लेते हैं। इसको डबल स्टैंड पर करो, सिंगल सिंगल पर नहीं होगा है ना, डबल स्टैंड पे खड़ा करके ना इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकाल के दे दो। ये पता नहीं कोई गाड़ी गिरी है किसी की। कोराकरम हाईवे पे हम लोग अभी जा रहे हैं, और रास्ते में एक बाइक ख़राब हो गया, पेट्रोल भी ख़त्म हो गया और बेचारे का टायर भी पंचर हो गया। छोटा छोटा सा बच्चा है बेचारे के पास, गर्मी धूप बहुत ज़्यादा है, वो देखो वो जा रहा है। और हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेक लगाई, मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऑयल निकाल के दे देता हूँ। ओए 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 किधर जा रही हो, इधर रुक जाओ,
डबल स्टैंड पे करो। हाँ बस ठीक है ठीक है, ये लो पहले पेट्रोल बंद करना, फिर आराम से निकालना है इस साइड से। निकाल लो जितना आपको ज़रूरत है निकाल लो। ऊपर ऊपर जस्ट लगता है ना, एक मैं आपको बताता हूँ ये। हाँ इधर बंद हो जाए ठीक है, आराम से देखना बाइक गर्म है तो ये ना पेट्रोल गिरे तो। नीचे बोतल रखो, नीचे बोतल रखो, आग ना लग जाए। इधर से नहीं निकलेगा, ऊपर से निकलेगा पेट्रोल। हाँ इधर से, हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके सही है। निकाल लो जितना आपको ज़रूरत है। आगे मेरे हाथ से थोड़ा सा आगे है वो एक जगह बनी, वहाँ से मिल जाएगा है? कोई बात नहीं। लिहाजा आप लोग जब भी लंबे सफ़र पे निकलो पेट्रोल लाजमी टैंकी फुल करवा लिया करो, कोई पता नहीं होता कब कोई मसला हो जाए। तो पता नहीं कब से ये बेचारे भाई खड़े थे, वो देखो बिल्कुल छोटा सा बच्चा है उसकी गोद में, और ये बिल्कुल चारों तरफ पहाड़ हैं, जहाँ पे नज़र जा रही है देखो हर तरफ पहाड़ हैं, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। बस काफ़ी है, देखना वो अच्छे से लगाना उसको। हाँ ठीक हो गया, चलो ठीक हो गया, चलो बस ठीक है। अभी आप चले जाओगे ना, वाह बाइक वाला आपको जो पंचर है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं, पैसे नहीं लेगा। नहीं नहीं भाई नहीं, थैंक यू। नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं, मेहरबानी, थैंक यू। आप जाओ, बस आपकी हेल्प हो जाए काफ़ी है। चलो जी अभी यहाँ से ज़रा अपना आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं। गद्दी अच्छे से करके बांध लो। तो हम लोग भी पंप नहीं लेके आए, अल्लाह ना करे हमारे साथ कोई ऐसा मसला हो, क्योंकि ये कह रहे हैं कि दूर दूर तक कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये लो आप अपना बैग लो और मैं अपना बैग लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है भाई अल्लाह हाफिज़। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि पेट्रोल तो हम लोगों ने दे दिया, ये पंचर का क्या करेंगे। यहाँ से तकरीबन कोई 5 किलोमीटर पीछे मैंने एक शहर देखा था, छोटा सा गांव, मतलब इतना बड़ा नहीं था लेकिन वहाँ पे सारी दुकानें वगैरह मौजूद थी। तो मेरे ख्याल से इनको तकरीबन आधा घंटा लगेगा वहाँ तक जाने के लिए, अगर बाइक चला के गया तो अभी पहुँच जाएगा। अल्लाह करे इसके लिए आसानियाँ हों, किसी के साथ ऐसा मसला ना हो, बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसी जगह पर। लेकिन शुक्र अलहमदिल्ला कि हमारा बाइक अभी तक पंचर नहीं हुआ, अल्लाह करे पंचर ना ही हो, क्योंकि हमारे पास ना पंप है ना पंचर का सामान है। कुरकुराक्रम हाईवे, वाकई यार ये दुनिया का एक अजूबा है। ये देखो ये पता नहीं कोई जानवर है, हो गया भाग गया। ये वाकई एक अजूबा है कुराक्रम हाईवे, कुराक्रम हाईवे वाकई एक अजूबा है। मुझे नहीं पता था कि इस जगह पे, ऐसी ऐसी जगह पे भी इन्होंने रोड निकाले हुए हैं, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। इतने इतने ऊँचे पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के दरमियान से इन्होंने रोड निकाला हुआ है, बता नहीं सकता कि कैसी रोड है ये। आंखें वो नहीं दिखा सकती, मतलब कैमरा वो नहीं दिखा सकता जो आंखें देख सकती हैं। ये जगह क्या लिखा हुआ है, हेयर स्टूड, हेयर स्टूड के पता नहीं क्या लिखा हुआ है, 7 इंजरबेंट ऑयल के पता नहीं क्या, ये पीछे पता नहीं क्या चीज़ बनी हुई है। ये आगे यहाँ पे नीचे ब्रिज भी है, मेरे ख्याल से यहाँ पे 7 पहाड़ मिलते हैं। ये पीछे लिखा हुआ है ना कि 7 पहाड़ जो है ना मिलते हैं, उसका निशान बना हुआ है यहाँ पे, 7 पहाड़ ही मिलते हैं मेरे ख्याल से। वो पीछे निशान बना हुआ है, 7 पहाड़ों का सिलसिला यहाँ पे एक जगह पे मिलता है इस मोड़ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी अबशार आई है आगे। थोड़ा सा स्लो करना मोटरसाइकिल, ओए होए 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 होए, रुकना यार थोड़ा सा, ओए होए होए होए। ये नज़ारा तो चेक करो ज़रा, ये नज़ारा तो चेक करो, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। इतनी प्यारी अबशार थी पीछे माशाल्लाह, टाइम नहीं है नहीं तो रुक के यहाँ पे वीडियो बनाते हम लोग। अभी छोटी अबशार थी, आगे और बड़ी बड़ी अबशारें आनी बाकी हैं। तकरीबन हम लोगों को 3 घंटे हो गए सफ़र करते हुए, और हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ जंगल, बस ऐसा ही माहौल नज़र आ रहा है। सब जितना भी मेरे पीछे आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, सारा रास्ता यही है 3 घंटे का, सेम हर तरफ ऐसा इलाका है। हम लोग कब से चले हुए हैं और हम लोगों ने पानी की बोतल साथ में नहीं ली थी। रास्ते में एक जगह आई है, यहाँ पर चश्मा है, ये देखो पानी का चश्मा है, और वो आगे भी
पानी की टूटी लगी हुई है। मैंने कहा यहाँ से पानी भर लेते हैं बोतल, क्योंकि प्यास लगी हुई थी और पानी पीने का नहीं था हमारे पास। ओह बड़ा सफ़र किया है हम लोगों ने। सही ठंडा पानी है माशाल्लाह, सही ठंडा पानी है। कब से प्यास लगी हुई थी, तकरीबन 70 किलोमीटर सफ़र किया है और हम लोगों ने पानी नहीं भरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, हल्को सर चश्मा होटल है ये जहाँ पे हम लोग रुके हैं। ये लो पी लो, ठंडा है। पीछे एक दो जगह पे पानी नज़र आया था लेकिन वो गर्म था, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा पानी है। सही, इस जगह का नाम है अलकोसर चश्मा होटल, वो पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है होटल का। स्कर्दू यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की स्कर्दू वाली वाइब आना शुरू हो गई है। माशाल्लाह इलाके बहुत प्यारे हैं, ये वाले पहाड़ों का इलाका ऐसा ऐसा ख़त्म होता जा रहा है। हैं तो हैं, पहाड़ हैं लेकिन दूर दूर है, पहले बिल्कुल नज़दीक थे। मतलब ऐसे अब रोड जा रही है ना तो सर के ऊपर पहाड़ थे, अभी ऐसा नहीं है। अभी साइडों पे पहाड़ हैं, रास्ते से रोड है और दरख्त भी नज़र आ रहे हैं। मतलब ऐसा ऐसा पता चल रहा है कि हम लोग जो है ना स्कर्दू के दूध में दाखिल हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है। इस जगह का नाम है बाशु वैली, और मैं यहाँ पे क्यों रुका हूँ, क्यों ब्रेक लगाई है, इसकी वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ थोड़ी देर में। इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा सा अच्छे से तरीके से दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। यहाँ पे बहुत ही प्यारी आबशार मुझे नजर आई रास्ते से जाते हुए, मैंने ब्रेक लगा ली। मैंने सोचा कि पहले इसकी एक अच्छा सा क्लिप बनाता हूँ वीडियो का, पहले मैंने सोचा यहाँ पे ड्रोन उड़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का फायदा नहीं है क्योंकि चारों तरफ बस पहाड़ ही पहाड़ है। लेकिन आबशार बहुत प्यारी है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। वो सामने आबशार आप लोगों को नजर आ रही होगी, माशाल्लाह कितनी प्यारी आबशार है। यहाँ मैं फुल जूम करके बना रहा हूँ, फिर भी जो है ना सही ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह। ये सारी आबशार नीचे पानी में गिर रही है, और ये नीचे पता नहीं कौन सा दरिया जा रहा है स्कर्दू का, यहाँ से नीचे ये सारी उस साइड पे ना, यहाँ से लेकर ना ये सारी बाशु वैली है। यहाँ से आगे वो वहाँ तक कुछ उधर पॉइंट बने हुए हैं पीछे बैठने के लिए, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू आता है इसका बाशु वैली का। माशाल्लाह ये देखें जी, मेरे अल्लाह की शान, क्या ही नज़ारे हैं और क्या ही। अब इतनी प्यारी जगह थी तो इतनी प्यारी जगह पर पोज बनाना तो बनता था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी शोहियाँ मारी और अपना आगे का सफ़र स्टार्ट कर लिया स्कर्दू के लिए। स्कर्दू जाते हुए यही वो मेन जगह है जहाँ पर अक्सर लोग रुक के रील्स और वीडियोस बनाते हैं। सामने पहाड़ हैं, साइडों में दरख्त हैं, कुराकरम हाईवे पे ये सबसे प्यारी जगह है जो मुझे देखने को मिली। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ये ताज़ा फ्रूट है सारा, कैसे क्या रेट है इसका, ये चेक कर सकते हैं? यार मीठे हैं? नहीं मीठे, फ्रेश हैं। अंगूर किस तरह? और सेब? सौ का दो, ये 200 का और ये 100 का। अच्छा ये 300 का किलो और ये 200 का किलो है, अंगूर 300 रुपये किलो। क्या खाना है बताओ? सेब चाहिए यार, हमको दो सेब चाहिए। हैं वो बादाम है, वो कैसे किलो दिया? 800 रुपये किलो। 800 रुपये किलो,
यार दो एप्पल चाहिए हम लोगों को रास्ते के लिए, कुछ साफ से हो। दो सेब यार कोई मोटे से साफ से निकाल के दो ना। हाँ ये ऊपर पड़ा हुआ है, ये फ्रेश है शायद। हाँ ये वाला फ्रेश है, एक एक ये और एक और देखो। दो सेब दे दो हमको फ्रेश से। हाँ बस ये गंदा है, गंदा गंदा है, बस दो ही चाहिए साफ हो गई। ये दिखाना ठीक है, ये साफ है गंदा है, ख़राब ना हो देखना, साफ सा कोई देखो ना, एक पड़ा होगा कोई, रास्ते में खाते हुए जाएंगे इसलिए लिए। थैंक यू। कितने पैसे? 600 रुपये। एक मिनट पैसे तो देंगे, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा जी ये लो भाई आप 500 रुपये काट लो, शुक्रिया भाई शुक्रिया। 600 रुपये के दो सेब, चलो जी फ्रेश है ना, ठीक है ये ले लो, बस हमने खाने खाना जा खाते खाते जाना। ये लो साइकिल में चल। जगलोर से आते हुए तकरीबन ये हम लोगों को पहला ब्रिज है मेरे ख्याल से, स्कर्दू से तकरीबन 30 किलोमीटर पहले ये वाला ब्रिज आता है। उस साइड पे बड़ा प्यारा लग रहा है व्यू, सारा वैली है शायद कोई, ये आगे सारा मैदान नज़र आ रहा है, इस साइड पे सारा मैदान नज़र आ रहा है मुझे। इसके पीछे तो सारा पहाड़ थे लेकिन इस साइड पर भी सारा आगे मैदान नज़र आ रहा है। कचोरा का मकाम है ये वाला जहाँ से हम गुजर रहे हैं, ये ब्रिज हमको मिला है जो कचोरा इस जगह का नाम है। यहाँ से आगे थोड़ा सा मैदान नज़र आ रहा था, पहले पीछे जितनी भी जगह थी सब चारों तरफ पहाड़ थे, यहाँ पे थोड़ा सा मैदान है। मरहोर का निशान बना हुआ है पीछे, मुझे लगता है इसके आगे मरहोर का इलाका स्टार्ट हो रहा है। क्या लिखा हुआ है आगे, वो आगे जाने दो। अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटीफुल बल्तिस्तान लव पाकिस्तान लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जगह है कचोरा, कचोरा से आगे यहाँ पे ये व्यू पॉइंट बना हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है ब्यूटीफुल बल्तिस्तान लव पाकिस्तान, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू। और इस साइड पे आप लोगों को दरिया नज़र आ रहा है, ये सारा स्कर्दू से आ रहा है आगे, ये जितना भी दरिया है सारा स्कर्दू से आ रहा है। मैदानी इलाका स्टार्ट हो चुका है, रेत बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है ये वाली। थोड़ा सा वहाँ पर पीछे बोर्ड लगा हुआ था मरहोर का कि इससे आगे आप लोगों को मरहोर नज़र आ सकते हैं, अभी तक हम लोगों ने जितना सफ़र किया हम लोगों को एक भी मरहोर नज़र नहीं आया, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ था कि आगे आपको चांस है कि मरहोर, हम देखते जाएंगे हो सकता है हम लोगों को कोई ना कोई मरहोर नज़र आ जाए। माशाल्लाह वैसे ये पॉइंट बहुत प्यारा है, ये कौन सी जगह है, मरहोर का चौक बना हुआ है, पता नहीं जगह कौन सी है। इधर जाना पड़ेगा, इधर इधर जाना, इधर 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 मेरे ख्याल से तो इधर जाना है। हम लोगों को रास्तों का भी इतना पता नहीं है ख़ास, लेकिन हाँ एक चौक आया था नहीं समझ लगी किधर जाना है, लेकिन हम लोग बस निकल पड़े, कहीं तो जाता होगा रास्ता। पक्का रोड तो इसी तरफ बना हुआ है, स्कर्दू भी इसी तरफ ही होगा मेरे ख्याल से। ध्यान से बकरी 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 बकरी, मरहोर नहीं है भाई बकरी है यार, ये कहाँ से मरहोर है, मरहोर तो हम लोगों को नज़र आया ही नहीं बिल्कुल। ये किस चीज़ का पॉइंट बना हुआ है, तीन घर बने हुए हैं, कौन है ये टूरिस्ट? हाँ आई लव स्कर्दू लिखा हुआ है। ओ यार पीछे चलो घुमा के, हम लोग कब से देख रहे हैं कि स्कर्दू नज़र आए तो हम लोग तस्वीर बनाए, स्कर्दू आया तो इसने रोका ही नहीं है। वो सामने बोर्ड लगा हुआ है स्कर्दू का, आई लव स्कर्दू लिखा हुआ है, इसने ब्रेक नहीं लगाई, हम लोग आगे निकल गए, यहाँ पे रुक के तस्वीर बनानी है हम लोगों ने। ये देखो आई लव स्कर्दू कितना प्यारा लिखा हुआ है, ऐसे कैसे यार, ऐसे कैसे, यहाँ पे तो तस्वीर बननी चाहिए ना। ये देखो कितना ज़बरदस्त पॉइंट है, यहाँ से आगे हम लोग
स्कर्दू में इंटर हो रहे हैं और हम लोगों को पता भी नहीं चला, हम ऐसा ऐसा करते करते स्कर्दू में पहुंच आए हैं। ये लिखा, ये रहो जी, आई लव स्कर्दू, मतलब कि हम लोग स्कर्दू में पहुंच चुके हैं। इधर स्कर्दू और ये सामने सारा स्कर्दू का इलाका। ओए होए 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 होए, ये वैली देखो गाइस, माशाल्लाह यार कितनी प्यारी जगह है। सारा मैदान है, इस साइड पे दरख्त लगे हुए हैं, मतलब के लेवल है, सही लेवल है इस जगह का, कोई शक नहीं जी। मैं थोड़ा सा ऊपर, वो ऊपर एक जगह बनी हुई है, वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ क्या है। इस जगह का लेवल तो है भाई, आय हाय हाय हाय, ये व्यू पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे, ये देखो मेरे पीछे यहाँ पे व्यू पॉइंट बना हुआ है। मारहोर लगाया हुआ है इन्होंने और पता नहीं क्या क्या है, लेकिन जो पीछे इस जगह पे ये जो वैली है ना, ये इसका लेवल है भाई साहब, इसका लेवल है कोई शक नहीं। सारी रेत है पूरा, ये तकरीबन इसकी लंबाई मोबाइल में शायद नज़र ना आ रहा हो, इस पूरे दरिया की लंबाई तकरीबन 1-2 किलोमीटर होगी, सीधी ऐसे बहुत दूर है काफ़ी। यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बंदा पागल हो गया है, क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने माइक लगाया हुआ था लेकिन माइक ऑन नहीं था, तो मेरी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड नहीं हुई। मैंने पता नहीं यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, मुझे अभी खुद याद नहीं आ रहा। क्या वजह है, क्यों बंद है, आगे नहीं जाने दे रहे? किधर जाना था? स्कर्दू जाना था। स्कर्दू बंद है? बंद है, चाहिए। इधर होटल चाहिए। स्कर्दू बंद है, आगे नहीं जा सकते? नहीं तो क्यों बंद है, क्या वजह है यार? ये क्या बात हुई क्या वजह हुई यार? तो मसला है स्कर्दू तो बंद है सारा, ये तो आगे नहीं जाने दे रहे। किसी बंदे से पता करते हैं क्या वजह है। आगे रास्ते बंद है सारे, काफ़ी सारे, ये देखो पीछे फौजी टैंकर भी आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा फौजी टैंकर भी आए हुए हैं, रास्ते सारे बंद हैं। पता नहीं, शायद कोई हुकूमत का और आवाम का कुछ आपस में चल रहा है, मुझे नहीं पता क्या वजह है। यहाँ से भी वापस चलते हैं, कोई होटल देखते हैं, वहाँ पर खाना वगैरह खाते हैं और वहीं से मालूम लेंगे कि क्या हुआ है, क्यों स्कर्दू बंद है, क्यों आगे नहीं जाने दे रहे। ये तो मसला हो गया, अगर नहीं जाने दिया तो हम लोग कहाँ पे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। हम लोगों को तो बहुत बहुत कुछ प्लान करके आए हुए थे आगे, जो सही और पता नहीं क्या क्या। भाई इधर कोई होटल वगैरह मिल जाएगा जी? होटल वगैरह मिल जाएगा खाना का? होटल हाँ, खाना वाला होटल इस साइड पे नहीं है। फिर आगे तो सारा रोड बंद है। जान दो पैदल है, खाना मिलता है ना? खाना मिलेगा, इसके साथ जाओ, ये होटल में जाओ। चलो जाने दो, मिल जाएगा यार, चलो जाने दो, जाने दो, जाने दो। स्कर्दू जाने के दो रास्ते हैं, एक मेन रोड है और जो दूसरा रोड है ना, उस रास्ते से आप लोग आओगे ना तो ये वाली जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी है। मेरे पास ना टाइम नहीं था, अभी मैं लेट हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ इस जगह की। अब मैं यहाँ पर रुक के इन दरख्तों के बीच में थोड़ी सी वॉक करता, बहुत प्यारे प्यारे व्यू आते हैं। ये जो सामने दरख्त आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, पीछे पहाड़ सारे, असल में आज कोई प्रोटेस्ट चल रहा है इसलिए सारे रोड बंद हुए हुए हैं, इसलिए हम लोग घूम फिर के आ रहे हैं। पता नहीं कब तक हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे, कोई पता नहीं। ले जाने परफ्यूम चौक कराची, इधर जाना सीधा। ठीक है, बढ़नी है।